हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों मात्र 5 मिनट में ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुंध लग गया है। 5 मिनट भी नहीं लगा है, मात्र यहाँ से 100 कदम आगे बढ़ा हूँ इतना ही देर में धुंध की बौछार सीधे देख कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। इतना नज़दीक बांस है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ, ठंडा बहुत ज़्यादा है और ये साइड से देख सकते हैं लाली है, धूप बहुत जल्दी उगने वाला है। तो अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा सा आगे से घूम के आता हूँ, घूमूंगा, एक्सरसाइज भी करूँगा। तो अभी चल रहा हूँ घर और धुन अभी उतना ही है, लेकिन ये साइड से है ना लाली है, देख सकते हैं दिख रहा होगा, इधर नहीं है वैसा लेकिन इधर लाली है। इधर सूर्योदय होने ही वाला है मात्र 1 घंटा में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी रूटीन बन गया है फ्रेश होने का। 2-3 घंटा रहता है धुन ठंडा और 9 बजे के बाद पूरी तरह से धूप उग जाता है। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर लिया, अभी चलते हैं दोस्तों घर। और अभी टाइम दोस्तों लगभग हो गया है कितना, 7 बजने में मात्र 4 मिनट बाकी है, 6:56 हो रहा है। तो चलते हैं 7:15 बजे तक घर पहुंचेंगे धीरे धीरे जाते जाते। तो अभी घर से मैं अपना लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी तक आ गया हूँ सरेह में। फिलहाल चलते हैं दोस्तों घर, घर पहुँचने वाला हूँ। और देख सकते हैं सरेह में, बीच सरेह में बहुत ज़्यादा धुंध था, लेकिन अभी पूरी तरह से फ्रेश हो गया है देख सकते हैं। और सूर्योदय भी हो चुका है, पंचायत भवन का घर है इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, नहीं तो सूर्योदय हो गया है दोस्तों। तो चलते हैं फिलहाल घर पे, 8:30 होने वाला है। और अभी माल मैं सारा सरिया लिया हूँ, सब तो सरियाया हुआ ही है, थोड़ा सा रखने का था उधर से प्लाजो जो बिका हुआ था ना वही सब रखने का था, नाइट ड्यूटी तो इसे रखा हूँ। और गमछा सरियाया हूँ देख सकते हैं, तो हो गया है 8:30 हो गया। तो अभी चलते हैं, चलते हैं, अभी खाना तैयार हो रहा है तो खाना खाएंगे उसके बाद में निकलेंगे। अभी 9:30-10 बजे से, तब तक अभी खाना का वेट करते हैं। दोस्तों स्नान करने वाला नहीं था, लेकिन चलते हैं कर लेते हैं, क्योंकि सोच रहा था कि कल किया हुआ था स्नान तो आज छोड़ देते हैं, लेकिन टाल मटोल सेहत के लिए आलस हो जाता है, आलस यानी कि महानाटाइटिस, आलस जो भी समझिए, टालमटोल जो भी समझिए। तो टालमटोल ख़त्म किए चलते हैं स्नान करने। तो दोस्तों अभी चलते हैं माल लोड कर लेते हैं, नहा उहा के पूरी तरह से मैं तैयार हो चुका हूँ फिर पर चलने के लिए। माल लोड करते हैं उसके बाद में खाना खाएंगे और निकलेंगे, 9:30 हो गया है। तो चलते हैं माल लोड कर लेते हैं, गाड़ी तो अभी निकाल लिया हूँ देख सकते हैं, चलते हैं माल लोड करते हैं। अभी माल लोड कर लिया देख सकते हैं, और धूप कराकर है इस समय, और
दोस्तों टाइम अभी 9:45 होने वाला है, तो फिलहाल अभी चलते हैं खाना खाते हैं, खाना खा के निकलेंगे। दोस्तों अभी खाना अभी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं दाल है, साग है और भुजिया है आलू का, तो अभी खाते हैं, खा करके निकलेंगे। अभी दोस्तों 10:15 बजे से निकलेंगे, खाते खाते दोस्तों बज जाए, 10:15 बजे से निकलते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल खाते हैं, खाना वाना खा करके निकल चुका हूँ और टाइम दोस्तों अभी हो गया है 10:30। अब फिलहाल चलते हैं दोस्तों, और धूप उगा हुआ है और गाड़ी चलाते हैं ना तो थर थरा दिया, ठंडा लग रहा है, तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घूमते हैं और देखते हैं पहला बोली कब तक होता है, थोड़ा देर के बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बोहनी हो गया है हमारा, अभी 11:30 हो रहा है, फर्स्ट गांव में ही लगभग 200 का सेलिंग हुआ है, 210 रुपये का कच्छा उच्छा बंडी उंडी यही सब। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं और घूमते हैं आगे, उधारी है देखते हैं मिलता है रास्ते में ही। वहाँ से चला हूँ तो उधारी 100 रुपया तो नहीं मिला है, लेकिन 20 रुपया एक और था वहीं पर तो मिला है, और उसके बाद में आगे चलने पर थोड़ा सा ट्राउजर बिका है 110 रुपये का। और फिलहाल चलते हैं, अगला गाँव भी आ चुका है तो घूमते हैं इस गाँव में, देखते कितना सही होता है। फिलहाल आप बहुत दिन पर हम अनुभव करे तबियत खराब रही तो ना होते रही है दोस्तों, देखो एने से होके होते अगर एने से कहके देखो ना, ठीक है तो जाए तो रखले रहो लेट फिर साइ 10 दिन के बाद फिर दोस्तों। पिछला वाला गांव में घूम लिया और इस गांव में 170 रुपया बाकी था तो 100 रुपया मिला है, 70 रुपया नहीं मिला है, तो फिलहाल चलते हैं घूमते हैं अगले गांव में। टाइम दोस्तों अभी हो गया है 11:45, फिलहाल चलते हैं एक दो गांव में घूम करके फिर मिलते हैं। दोस्तों चलते हैं सरे होकर के ही, कच्ची रास्ता है तो देख सकते हैं किस तरह का व्यू है, इधर बच्चे लोग सब बकरी उकरी चरा रहा है इधर, चलते हैं दोस्तों फिलहाल अगले गाँव में घूमते हैं। तो दोस्तों दो गांव घूम लिया और दोनों गांव घूमे हैं, एक भी नहीं बिका है, ना एको कस्टमर पूछा भी नहीं है, खाली अभी तक ले 120 रुपये उधारी मिला है और 320 रुपये का सेल हुआ है, यानी कि टोटल 440 हुआ, तो 440 अभी हमारे पास हाथ में आया है। चलिए फिलहाल अभी घूमते हैं, 12:15 अभी हो गया है, देखते हैं क्या होता है आगे। फिर दो गांव घूम लिया, दो गांव में मात्र 40 रुपये उधारी मिला है और एक कच्चा बिका है 40 का बस, उसके बाद में भी चलते हैं घूमते हैं। टाइम दोस्तों 1 बज गया है, अब देखते हैं इस समय से क्या होता है, सेलिंग आज बहुत कम हो रहा है, फिलहाल चलते हैं घूमते हैं अगला गांव। तो अभी टाइम हो गया है 3:30 और लगले जो है ना 3 गाँव था, तीनों गाँव घूमे हैं, बहुत बड़ा गाँव है और पहले जैसा आज सेलिंग नहीं हुआ है, आज सब दिन से बहुत कम सेलिंग हुआ है, फिर भी लगभग 500 का सेलिंग हुआ होगा, टोटल सेलिंग कितना का है अभी गिनती तो नहीं किया है। अभी चलते फिलहाल दोस्तों घर इसी समय 3:30 बजे, क्योंकि दोस्तों हमारे मामी जो है ना डेट कर गई है, तो वही खबर आया है, फ़ोन आया था कि आओ माई को लेकर चलना है, मामा के यहाँ मामी मर गई है, तो चलते हैं दोस्तों अभी घर पर और कितना का सेलिंग हुआ है देखते हैं, अभी गिनती नहीं किया है, घर पर चल कर गिनती करते हैं दोस्तों घर पर, क्योंकि जाना होगा मामा के यहाँ। दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू है दोस्तों, और धूप तो काफ़ी है लेकिन आज पछिया हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो कल सुबह ठंडा ज़्यादा रहेगा, संभावना ज़्यादा है क्योंकि हवा चल रहा है। चलते हैं दोस्तों घर पे, तो चलेंगे घर, उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद में चलेंगे ये समोसा नाश्ता कर लेते हैं, देख सकते हैं। करो चलना तो है ही, जाते जाते किसी को 1 घंटा लगेगा, तो नाश्ता नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ भी आ गया, घर उतार दिया माल और चलते हैं। उड़ाए दें तो वही तो भीतर तक की हो गई, चल रहा हूँ माई को लेकर के, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। माई को यहाँ छोड़ दिया और यहाँ से चल जाएगी,
और दोस्तों हमको वहाँ पे नहीं जाना है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, तो चल आ ले रहा हूँ, चल बहुत अच्छा। ठीक है, तो माई अब जा रही है और दोस्तों मैं चलता हूँ यहाँ से। तो आगे ये है रेवासी बाज़ार, तो चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ का व्यू। क्योंकि दोस्तों हमारा मामा का घर रेवासी ही है, तो ये रेवासी बाज़ार है, इस तरह का व्यू है। इधर मंदिर है हनुमान जी का। तो दोस्तों मैं अब चल रहा हूँ, टाइम नहीं है रुकने का, चलते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पिछला चौक रेवासी चौक था, तो अभी मैं क्रॉस कर लिया। दोस्तों वहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे वहाँ पे जहाँ पे लाश है ना, वहाँ पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमारे भाई का शादी है, उसमें जो बिहार जो है, तो साल भर हमको मराना है, साल भर तक मरम में नहीं जाना है ना, मरम शराब का भोज खाना है, इसलिए हम नहीं गया हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं घर पर, लगभग आधा घंटा हमको समय लगेगा जाने में, चलते हैं सीधे घर। फाइनली दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं अपना घर, देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे सवेरे सवेरे आता हूँ घूमने वहाँ पे आ गया हूँ, देख सकते हैं वो वाला सामने वाला कचरा वाला घर है। तो दोस्तों अभी चलते हैं सीधे घर पे, और लगभग 40 मिनट समय लगा है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर है यहाँ से हमारे मामा का घर, लेकिन 40 मिनट लग गया है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत धीरे धीरे चलाता हूँ, मैं मात्र 30-35 की स्पीड में चलाता हूँ बस। तो चलिए अभी चलते हैं फिलहाल घर पे। तो अभी फाइनली आ गया हूँ घर, और आया तो कृष्णा दिया है टोपी पहनने के लिए, दे सकते हैं, और कृष्णा जी इधर खेल रहा है, कृष्णा सरवन। तो चलिए अब टोटल रुपया गिनती करते हैं, टोटल सेलिंग कितना का हुआ, क्योंकि दोस्तों आया तो सीधा रख के चला गया, चलते हैं गिनती करते हैं। दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं, तो देख सकते हैं आलू गोभी का सब्जी रोटी, और इधर अभी बन रहा है, तो अभी लाइट कटा हुआ है दोस्तों, मोबाइल का रोशनी है, और इधर सर्वर खा रहा है। आइए देखिए कृष्णा, कृष्णा हैरान करता है, रोटी पकाता है इसकी मम्मी। तो चलिए अभी मैं खाता हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए रोटी सब्जी, रात का बेस्ट खाना, बेस्ट खाना है। तो दोस्तों यही सारे रुपया है, इतना ही का सेलिंग हुआ था, तो टोटल गिनती करते हैं टोटल कितना है इसमें। इसमें मैं 100 रुपया 110 रुपया लेकर गया हुआ था, तो टोटल पहले गिनती करते हैं कितना होता है, पहले तो सबको पहले सरिया लेते हैं, सारे को सरिया लिया दे सकते हैं। अब चलते हैं सबको गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 12 दोस्तों 1200 हो गया। अब रिचकी खुदरा है, उसको गिनती करते हैं कितना होता है। दोस्तों ये पूरा रिचकी 130 है, और ये वाला 1200 है, तो 1330, उसमें से 100 रुपया माइनस करेंगे, तो 1230 कितना, 1230 रुपया है। तो आज का सेल 1230 ही हुआ है, क्योंकि दोस्तों सेल आज बहुत कम हो रहा था, जीता जा रहा था उधर, कोई कुछ भी नहीं रहा था, तो ऐसे करके फिर भी 1230 का हुआ है सेल। और उधारी लगभग कितना, 160 रुपया उधारी मिला है बस 1230 में से। तो यही आज का सेल टोटल मिलाएंगे तो 1230, और आज है ना 1 भी रुपया उधार नहीं लगा है, 1 भी रुपया उधार नहीं दिया, मांग रहा था लेकिन नहीं दिया है आज। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।